तो हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि इस दिवाली सेल में, लाइक इससे पहले ग्रेट इंडियन फेस्टिवल था अमेजोन में, देन अब इसके बाद ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में दिवाली सेल जो है वो चालू हो गया, जो कि 27 अक्टूबर तक रहेगा। तो आपको इस सेल में बहुत अच्छे स्मार्टफोन ऑफर्स में आपको बताने वाला हूँ। पहला फोन है हमारे पास जो की लावा की तरफ से आता है, जिसका नाम है लावा अग्नि 3। ये 20,000 में आपको देखने को मिलेगा और ये फोन डुअल डिस्प्ले के साथ 1.5K एमोलेड कर्व डिस्प्ले, मतलब इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन हैं। लाइक कैमरा वगैरह भी ठीक ठाक है, सोनी के सेंसर के साथ रखता है, डुअल डॉल्बी के साथ स्पीकर देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पे टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल रहा है, मतलब हर चीज डाल के दे दिया गया है इस फोन में। तो अगर आपको अंडर 20,000 डुअल डिस्प्ले फोन, ग्लास बैक डिजाइन और साथ में फ्री सर्विस एट होम जैसा फीचर चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये बेस्ट फोन हो सकता है, अगर आप इंडियन ब्रांड को अच्छा सपोर्ट करना चाहते हो। और उसके बाद जो अगला फोन है वो है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। ये जो फोन है 75,000 रुपीज में मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर आप ऑफलाइन मार्केट भी एक आध बार सर्च करोगे ना, तो थोड़ा सा इससे भी कम में आपको मिलेगा, 256 GB वाला, और मैंने पता किया था 512 GB अराउंड 75K में मिल जाए। तो अगर आप लोगों को कहीं भी अच्छा डील मिलता है तो आप सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा ले सकते हो, बेस्ट फोन है 75,000 का अगर आपका बजट है। मैं आपको बहुत सारे हर प्राइस में अलग अलग स्मार्टफोन बताऊंगा और मिक्सिंग टाइप का वीडियो रहेगा अमेजोन के ऊपर, अमेजोन सेल के ऊपर मैंने बेस्ट डील को सेलेक्ट किया है, जो कि सच में आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा काम आना। तो अगला फोन है हमारे पास Redmi Note 13। ये जो फोन है अच्छा प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है, ग्लास बैक, व्हाइट कलर इसका बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, डिस्प्ले एकदम टॉप नॉच है, एच टू एच वाला। तो अगर आपको ये फोन अंडर 14-15,000 में मिल रहा है, तो सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। तो अगर आपको 14-15 में मिल रहा है कार्ड वर्ड ऑफर लगा के, तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट फोन हो सकता है। बैटरी थोड़ा सा इसका कम है, अदरवाइज हर चीज मेरे को नॉर्मल यूज के लिए ठीक ठाक लगा, मैंने इसको पर्सनली खुद यूज किया है, आप वीडियो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो। और दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, हमारे लाइक इस बार जो सेल में जो कार्ड यूज हो रहा है वो है ICICI बैंक का कार्ड, और इससे पहले SBI था, बट SBI अभी फ्लिपकार्ट में चले गया है, और HDFC नो कॉस्ट EMI ऑफर कर रहा है। तो आपको अपने हिसाब से आप कुछ भी बाय कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ICICI बैंक के कार्ड के साथ सबसे ज्यादा ऑफर आपको देखने को मिलेगा, और अमेजोन पे कार्ड के साथ भी आपको सेम शॉर्ट ऑफर देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको ICICI क्रेडिट कार्ड के साथ ही देखने को मिलेगा इस सेल में फिलहाल। और अगला जो फोन है वो है गाइस रियलमी की तरफ से आने वाला Realme Narzo 70 Pro 5G स्मार्टफोन। 256 GB वाला आपको लेना है, क्योंकि 256 GB बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्मार्टफोन है, और 256 GB वाला अगर आपको 15-16 हज़ार रुपये में मिल रहा है तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि उससे ऊपर आप देना मत, क्योंकि मैंने खुद इसको 16,000 में बाय किया था। तो बहुत अच्छा फ़ोन है, पहले 20,000 में बिकता था, बट इसमें कैमरा वगैरह बहुत अच्छे हैं, बाद में पता नहीं इसका प्राइस डाउन कर दिया गया। और नार्जो से भी सच में ये जो फोन मैंने आपको बताया Realme Narzo 70 Pro बहुत अच्छा फोन है। अब अगला फोन है Samsung Galaxy M35 5G स्मार्टफोन। ये फोन आपको 16-15 हज़ार रुपये में मिलेगा। M35 5G अभी लॉन्च हुआ है, 19,000 रुपये इसका प्राइस रखा गया था, 19 में ही ये बिक रहा था, बट कार्ड वर्ड ऑफर लगा के अभी इसका प्राइस वैसे भी डाउन हो गया, तो आराम से आप इसको 15,000 के अराउंड ले सकते। अब दूसरा जो फोन है ना Samsung Galaxy M35 के बाद Samsung Galaxy M55S, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, और इसका वीडियो भी मैंने दिया था, आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं सोच रहा हूँ अभी भी इसको खरीद के रिव्यू करूँ, आप लोग क्या चाहते हो प्लीज कमेंट कर देना। तो ये जो फोन है ना लाइक 20,000 रुपीज में लॉन्च हुआ था, कार्ड वर्ड ऑफर लगा के आपको इसका बेस वेरिएंट 18 में मिलेगा, बट अभी कार्ड वर्ड ऑफर कुछ भी नहीं है, सब हटा दिया गया, डायरेक्टली इसका प्राइस 17,999 कर दिया गया है। तो जाकर आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। तो 18,000 रुपये में अगर आपको एक सैमसंग का फ़ोन चाहिए जो कि ठीक ठाक हो, मेरे पास पहले सैमसंग M51 था, बहुत अच्छा फ़ोन था, तो उसके बाद M55S लॉन्च हुआ है। M55 जो है अच्छा से बिक नहीं रहा था, अच्छा फ़ोन नहीं था बोल रहे थे लोग, बट M55S क्या पता अच्छा फ़ोन हो, इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है जिस प्राइस में इसको लॉन्च किया गया है। बाकी सैमसंग का फीचर्स, सैमसंग की UI, सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सब तो टॉप नॉच होती है जैसा कि आपको पता है। तो ये फ़ोन आप ले सकते हो, आपको 18,000 में बिना कोई कार्ड वर्ड ऑफर लगाए मिल जाए। एक फ़ोन है जिसका नाम है OnePlus Nord CE 4। ये फोन भी मैंने अपने पैसे से खरीद कर रिव्यू किया है, चैनल में जो है रिव्यू अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। इसके साथ आपको ईयरबड्स OnePlus Nord 2R Buds फ्री मिलेगा, मेरे को भी फ्री मिला था, तो अभी फिर से वो ऑफर जो है वापस आ गया है, और आप इस फोन को अराउंड 23,000 रुपीज में खरीद सकते हो। तो ये बहुत बेस्ट ऑफर है मेरे ख्याल से। उसके बाद अगर आपको नॉट 4 चाहिए, जैसे कि मैंने आपको नॉट सी 4 बताया, तो नॉट 4 भी मेटल बेल्ट डिजाइन के साथ आता है, तो वो भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साथ में हमारे पास एक रियलमी का स्मार्टफोन है, रियलमी टर्बो 70।
ये जो फोन है ना Realme Narzo 70 Turbo 5G स्मार्टफोन इसका नाम है, और ये जो फोन है 15,999 में मिलेगा, और Realme Narzo 70 Turbo के साथ आपको फ्री में ईयरबड्स में मिलेगा। तो अगर आपको 15,000 रुपए में ईयरबड्स चाहिए लाइक विथ फोन, तो आप देख सकते हो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। स्पेसिफिकेशन वगैरह इसके भी बहुत सही है, तो आप इसके तरफ भी जा सकते हो। अगला फोन है गाइस IQ Neo 9 Pro। इसका 256 GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 8256 अराउंड 34,000 रुपीज में। मैंने इसको खुद अपने पैसे से खरीद के रिव्यू किया है, उसका रिव्यू आपको मेरे चैनल में देखने को मिलेगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन मैं बोलूंगा अगर आपको गेमिंग के लिए फोन चाहिए। कैमरा इसका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है इनडोर में, आउटडोर में तो अच्छा खासा दे देता है, बट अगर बैकग्राउंड लाइट वगैरह ज्यादा होना तो अच्छा फोटो नहीं ले पाता है। मैंने इसको यूज किया है हाँ, बट बाकी चीज इसका बहुत अच्छा है, लाइक बहुत अच्छा चिपसेट मिलेगा 35,000 रुपीज में अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए। मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। इसका आपको व्हाइट और रेड वाला भी वेरिएंट मिलेगा, व्हाइट रेड लेदर बैग के साथ आता है, और साथ में ब्लैक कलर मिलेगा जो कि मैट फिनिश ग्लास बैग के साथ आता है, तो ब्लैक ज्यादा सेक्सी लगता है मेरे ख्याल से। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा कलर पसंद में आया, मैंने ब्लैक खरीदा था। अगर आपको बजट में स्मार्टफोन चाहिए तो IQ G9X 5G स्मार्टफोन है, 12,400 रुपए में मिलेगा। अगर आपको 8GB रैम 128GB वाला फोन चाहिए ग्लास बैग, तो लावा स्ट्रॉन्ग 5G आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसको मैंने खुद 12,000 में खरीदा था, आपको ये अभी सेल में 9,000 9,500 10,000 11,000 तक मिल सकता है, क्योंकि इसका प्राइस ना हमेशा फ्लक्चुएट होता है। इसका जो ब्लैक कलर का प्राइस है वो हमेशा ज्यादा रहता है, बट ग्रीन कलर आपको काफी अच्छे प्राइस के साथ मिलेगा, तो ग्रीन कलर मेरे को अच्छा भी लगता है इसका। तो प्लीज ये वाला फोन देख लेना, मैं अभी तक इसको यूज कर रहा हूँ और ये फोन सच में अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक भी शिकायत नहीं है इस फोन के साथ। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वगैरह मिल रहे हैं यार 10-12 हज़ार के फोन में, और क्या ही चाहिए आपको। दूसरा सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M15 5G स्मार्टफोन आप ले सकते हो, अमेजोन में आपको देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और इसका वीडियो आपको मेरे चैनल में मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी F15 के नाम से, क्योंकि दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, बस वो फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, ये अमेजोन में अवेलेबल है, तो जहाँ पे आपको सस्ता मिले वहां से ले लो। अराउंड इसका प्राइस 12,000 रुपीज होता है हमेशा, तो अगर आपको 11-12 में मिल रहा है ना, तो गाइस ये फोन ले लेना, सच में बहुत सही फोन है। अब एक फोन है IQ G9 5G स्मार्टफोन, ये भी आप ले सकते हो, और G9S भी आप ले सकते हो जो कि अराउंड 20,000 रुपीज का है। और G9 5G जो है वो जो है ना फोन काफी अच्छा फोन है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका प्राइस 15,999 भी रखा गया है, ऑफर लगा के आपको सही शॉट में ये मिल रहा है फिलहाल, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अमेजोन में बेस्ट डील मैंने सेलेक्ट किए मेरे ख्याल से, अगर मैंने जो जो आपको फोन बताया आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। और एक बार कोई भी फोन बाय करने से पहले अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका रिव्यू चेक कर लेना, उसके बाद ही आप उसको बाय करना। और मैंने एकदम सेलेक्टेड फोन बताए जो कि इस प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं, और इस प्राइस में सच में बहुत अच्छे ऑफर्स के साथ आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो वीडियो है आपको बहुत ज्यादा पसंद में आया होगा, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। और हाँ, जो दिवाली सेल से पहले बिग बिलियन डे सेल फ्लिपकार्ट में आता था, अमेजोन में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आया था, वो उस टाइम भी मैंने कुछ वीडियोस डाले थे। स्मार्टफोन वही सारे हैं क्योंकि प्राइस वगैरह बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत अभी थोड़ा 1,500 ज्यादा में ही मिल रहे हैं कुछ स्मार्टफोन, लेकिन कुछ कुछ तो और ज्यादा कम हो गए, तो एक बार वो वीडियो भी देख लेना। उसमें मैंने अलग से under 10,000 के लिए अलग वीडियो, under 8,000 के लिए अलग वीडियो, सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आई बटन में डाला है, आई बटन चेकआउट कर लेना अगर आपको under 10,000 under 8,000 जैसा वीडियो देखना है, एकदम सेलेक्टेड फोन मैंने बताया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, फ्लिपकार्ट वाला वीडियो जो है दिवाली सेल के ऊपर देख लेना। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।